हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर फैकल्टी एट अभिमन्यु आई एस अभिमन्यू आई एस जो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है फॉर द आई ए एस एंड पी सी एस एंड इट्स ऑल्सो ए बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू नो प्रिपेयरिंग फॉर योर आई ए एस एंड पी सी एस के लिए राइट right? तो यहाँ पे स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं आज पंजाब पी सी एस जो हमारा टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड एक यहाँ पे मुझे मैं एक यहाँ पे डिस्कशन करना चाह रही हूँ स्टूडेंट के साथ ठीक है तो so दैट थोड़ा सा वो रियलिटी चेक के साथ इस एग्जाम को तैयार करें वो ये है स्टूडेंट की चेंजिंग ट्रेंड इन प्रीलिमरी एग्जाम्स ये आज का टॉपिक में भी आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्या ले आई अब ये क्या नई चीज़ आ गई है तो नई चीज ये है स्टूडेंट की अभी अभी जस्ट इलेवन फेब को हमारा एच का पेपर हुआ हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हुआ ठीक है और, और भी बहुत सारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देख रही हूँ मैं स्टेट पीसीएस स्टेट पीसीएस के तो वहाँ से ये कंक्लूज़न निकल कर आता है कि जो एग्ज़ाम्स हैं जो खास करके प्रीलिम्स हैं उनका जो ट्रेंड है स्टूडेंट वो चेंज होता जा रहा है इवन अगर हम पंजाब के बाकी एग्ज़ाम्स को भी देखें अगर हम पंजाब लाइड या बाकी एग्ज़ाम्स में भी देखें वहाँ पे भी स्टूडेंट आपको पूरा पूरा एग्ज़ाम पैटर्न जो है खास करके जो प्रीलिम का एग्ज़ाम है एमसीक्यू बेस्ड है वो आपको उसमें आप उसका जो ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा मतलब कि वो डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ बढ़ रहा है और इवन जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है वो भी कुछ मतलब उसका जो नेचर है या जो उसका पैटर्न है उसको वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा है कैसे चेंज कर रहा है और किस तरीके से यू नो स्टूडेंट्स आप अपनी प्रिपरेशन को भी उसी यू नो चेंजिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप भी अपनी प्रिपरेशन को चेंज करो या उसको करने का तरीका आप चेंज करो ठीक है उसी पे हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे ठीक है जी ओके तो नोटिफिकेशन कैन बी आउट एनी टाइम ठीक है ये आपको पहले से ही पता है ठीक है तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट समझते हैं इसको कि चेंजिंग ट्रेंड किस तरीके से है हमारा सिविल सर्विसेज का पेपर का उसको समझते हैं बच्चे आज हम ठीक है कैसे चेंज हो रहा है किस तरीके से हो रहा है उसको हम यहाँ पे समझते हैं देखिए तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर आप पंजाब पीसीएस के प्री पी वाई क्यू देखो खास करके अगर आप 2020 पे ध्यान दो तो 2020 में जो लास्ट हमारा यू हमारा पंजाब पीसीएस का पीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ उसमें आपने देखा कि एग्ज़ाम का लेवल जो था वो काफ़ी हाई था मतलब कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था ठीक है चाहे कोई कुछ भी बोले स्टूडेंट एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था ठीक है तो डिफ़िकल्ट था स्टूडेंट यहाँ पे तो एक चीज़ यहाँ पे समझिए आप इस चीज़ को एग्जाम अगर डिफिकल्ट है ठीक है तो जो अब एग्जाम होगा ऑब्वियसली वो उससे आसान तो नहीं आएगा एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दू स्टूडेंट आपको कि जो पी है ना वो पहले से डिफिकल्ट है या पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो पहले से ही डिफिकल्ट वाली साइड है ऑलरेडी वो डिफिकल्ट वाली साइड है वो इजी वाली साइड तो नहीं है उसने ट्वेंटी में ऑलरेडी क्लियर कर दिया है अब हमें समझना ये है स्टूडेंट यहाँ पे कि अगर 2024 के अंदर जो हमारा एग्जाम आने वाला है उसको लेकर हमारी क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए किस तरीके से हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए स्टूडेंट आप चार पांच चीजें यहाँ पे ध्यान में रखो पहली बात तो वो अलाइन कर रहा है टुवार्ड्स द यूपीएससी प्रीलिम्स जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर स्टूडेंट मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप उसको सॉल्व करने बैठ जाओ मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप उसको यू you नो know, देखो ही मत ठीक है Uh, यहाँ तो बिल्कुल यू नो अपोजिट आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है आप स्टूडेंट उसको जस्ट एक बार उसको गो थ्रू कीजिए जब आप उसको गो थ्रू करोगे स्टूडेंट तो आपको समझ में आएगा कि जो ऑप्शंस पे सेट हो रहे हैं जो स्टेटमेंट्स वहां पे वो सेट कर रहा है ठीक है वो किस तरीके से कर रहे हैं ठीक है थीके? अगर आप उसमें से क्वेश्चन देखो तो आप देखोगे कि क्वेश्चन अगर देखोगे तो अगर उनके ऑप्शंस देखोगे तो वो फिफ्टी परसेंट पेपर में वो ऑप्शन कैसे सेट कर रहे हैं पेयर वन करेक्ट मैं कल भी आपको उसमें मेरी जो अपनी पी वाई क्यू का सेशन आता है मैं उसमें भी आपको मैं बता रही थी पेयर टू ओनली टू पेयर आर करेक्ट ओनली थ्री पेयर आर करेक्ट ठीक है किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा तो अभी यूपीएससी की साइट पर जाकर या वैसे सर्च कीजिए कि हाँ जी यू पी 2023 आपके सामने पेपर आ जाएगा आप उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं या फिर फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या फोर ऑल फोर आर करेक्ट ठीक है इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट इसमें ये चीज है कि अगर आपके पास एग्जाम में होता था स्टूडेंट मान लीजिए आपको सी नहीं आता मान लीजिए आपको सी का पता है कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट गलत है तो नीचे ऑप्शंस ऐसे दिए होते थे वन एंड टू टू एंड थ्री थ्री एंड फोर और ऑल द दब तो आप क्या करते थे जैसे ही आपको पता चलता था कि हाँ जी स्टेटमेंट सी जो है वो हमारी गलत है तो पहली बी और सी ऑप्शन चला उड़ जाता था आपके पास अब फिफ्टी फिफ्टी बचता है या तो वन एंड टू आंसर है या फिर आपका ऑल द बव ऑल द बव भी नहीं रहेगा क्योंकि थर्ड ऑप्शन गलत है आपके पास तो बचा एक वन एंड टू आप उसको सही कर ले जाओगे मतलब कि एलिमिनेशन ट्रिक यहाँ पे आपने लगा ली बट अब जो है वो एलिमिनेशन वाली ट्रिक गई ठीक है अब मान लीजिए आपके पास तीन स्टेटमेंट चार स्टेटमेंट है ए बी सी एंड डी मान लीजिए आपको बी स्टेटमेंट का पता है हाँ जी ये सही है ये बिल्कुल सही है ये भी पता है आपको ए भी आपको पता है मान लीजिए आपको सी भी पता आपको सिर्फ डी का नहीं पता कि भाई डी जो है वो सही है या गलत है अब यहाँ पे ऑप्शन मान लीजिए इस तरीके से सेट है कि ओनली वन पेयर करेक्ट Only three pair are करेक्ट four are करेक्ट ठीक है या उसने लास्ट में दिया कि थ्री पेयर आर करें अब आप देखिए अगर आपको डी के बारे में कोई अंदाजा नहीं है तो हो सकता है कि भाई चारों ही सही हो डी के बारे में जब पता ही नहीं आपको स्टेटमेंट डी को आपका स्टेटमेंट पता ही नहीं आपको और ये भी हो सकता है स्टूडेंट कि आप जो डी को मतलब आपके बारे में पता वो हो सकता है गलत हो तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है कि थ्री पेयर ही सही हो या ऐसा भी हो सकता है अब क्या हो गया यहाँ पे आप स्टूडेंट ओनली थ्री पेयर वाले पे भी आगे ऑल द अबव वाले पे भी आगे और फोर पे भी आगे आप ठीक है तो यहाँ पे स्टूडेंट अब जो है वो एक आप तर, एक तरीके की एलिमिनेशन जो है वो यहाँ पे क्या हो गई है बहुत ही डिफिकल्ट हो गई है क्योंकि आपको डे ऑप्शन का कुछ भी आइडिया है नहीं कि ये गलत है या सही है ठीक है तो थ्री पेयर वाला भी सही हो सकता है फोर पेयर वाला भी सही हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ जाती है मतलब कि एलिमिनेशन बढ़ जाती है इससे भी ज्यादा मान लीजिए आपको दो स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से पता है दो स्टेटमेंट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है आपको नहीं पता गलत है या सही है दो स्टेटमेंट के बारे में सही से पता है कि हाँ भाई ये तो सही है तो हो सकता है बच्चे कि ऑप्शन जो है वो चारों ही सही हो चारों ही सही हो सकती है ये भी हो सकता है कि उसमें से तीन ही सही हो ये भी हो सकता है कि सिर्फ दो ही सही हो ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट ठीक है और ये भी हो सकता है कि चलो दो का तो पता ही आपको तो चलो वन पेयर तो आप एलिमिनेट कर गए बट अब आपके पास क्या है तीनों ऑप्शन जो हैं वो आपके पास खुले हैं अब आपके लिए बहुत ही मुश्किल है कि हाँ जी अब तीनों में से आप किसको तुक्का लगाओगे सेवेंटी फाइव परसेंट जब चांसेस पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट आप तब जो है वो आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन सही होने का चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है ठीक है जी इसका मतलब ये इसका मतलब ये क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि आपको चारों स्टेटमेंट जो हैं वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए मतलब कि जो भी स्टेटमेंट उसने बताई है या जो भी फैक्ट के बारे में पूछा है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए ठीक है एक तो यूपीएससी के साथ अलाइनमेंट करने की यहाँ पे ये बात हो गई दूसरी हम बात करते हैं बच्चे दूसरी हम यहाँ पे बात करते हैं मोर डायनेमिक स्टूडेंट जो पेपर है वो मोर डायनेमिक हो चुका है मतलब कि अब वो स्टैटिक पोर्शन से इतने क्वेश्चन नहीं पुट कर रहा जितने ज्यादा वो करंट अफेयर करंट अफेयर से पहले भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं पीपीएससी के अंदर सो दैट्स वाई मोर डायनेमिक आपका पेपर रहेगा ना कि आपका हो सकता है कि फैक्ट वाइज वो इसका मतलब क्या है करंट अफेयर का यहाँ पे वेटेज बढ़ जाता है ठीक है मोर करंट अफेयर ओरिएंटेड एंड लेस लेसिक ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको करंट अफेयर जो है वो बहुत अच्छे से करने की नीड है ठीक है चेंज इन ऑप्शन एंड स्टेटमेंट ये मैंने आपको बात बताई दी है लीड्स टू लेस लेस कट ऑफ कट ऑफ तो यहाँ पे कम जाएगी ही जाएगी ये यह बात यहाँ पे क्लियर कट हो जाती है ऑब्वियसली बच्चे जितना डिफिकल्ट आपके लिए उतना बाकी के लिए भी है वो ठीक है ओके अगर अब अगर इतनी सारी चैलेंजेस आ ही गए हैं हमारे एग्जाम के अंदर कि आप एलिमिनेशन ट्रिक भी नहीं लगा पा रहे हो डायनामिक हो गया पेपर ठीक है करंट अफेयर ज़्यादा हो गया यहाँ पे स्टैटिक की पोर्शन कम हो गया और अगर स्टैटिक पोर्शन आ भी रहा है तो भी स्टूडेंट वो डिफिकल्ट ही माना जाएगा क्योंकि स्टूडेंट कल का एचसीएस का अगर आप पेपर उठा के देखो इलेवन फेब में स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी इजी है लेकिन जो उसके नीचे ऑप्शन सेट किए हैं एग्जामिनर ने वो बहुत ही अतरंगी तरंगी तरीके सेट किए हैं ओनली वन पेयर ओनली टू पेयर ठीक है pair, pair, तो इस तरीके से ऑप्शन जब आते हैं चाहे आपको वो क्वेश्चन क्यों नहीं आता फिर भी स्टूडेंट अगर आपको चारों ऑप्शन अच्छे से नहीं पता है ठीक है तो आप उसको उस मतलब ईजी क्वेश्चन को भी आप नहीं कर ले जाओगे तो या तो स्टेटमेंट बहुत डिफिकल्ट दी हुई है या फिर आपके ऑप्शंस बहुत ही उसने इस तरीके से सेट किए हुए हैं कि एलिमिनेशन वाला जो ट्रिक है वो यहाँ पे अब बिल्कुल जीरो हो गया मतलब कि आप लगा ही नहीं सकते उसको ठीक है पूरा पेपर ऐसे ही भरा हुआ था अब तो सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का पहला सोल्यूशन सबसे पहले होगा क्या मैं बताती हूँ इस ट्रेंड से होगा क्या इस ट्रेंड से सबसे पहले बच्चों का गिरेगा कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज्यादा सबसे पहले जो इसका इम्पैक्ट होगा वो होगा लो कॉन्फिडेंस बहुत सारे बच्चे इस ट्रेंड को देख के बच्चे सोचेंगे कि चलो गिव अप कर देते हैं जाने देते हैं ठीक है कुछ और देखते हैं मेरे बस की बात नहीं है सबसे पहले तो यही होने वाला है अच्छा सेकेंड जो चीज़ जिसका इम्पैक्ट होने वाला है वो ये कि बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर में आएगा एग्जाम में बैठते सर क्योंकि जैसे ही वो देखेगा कि हाँ भाई मेरे से दस क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए मेरे तो बहुत ज़्यादा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सही कौन सा गलत ठीक है तो वो आएगा प्रेशर में और जब आप प्रेशर और स्ट्रेस में आते हो बच्चे तब आप क्या करते हो गलती ज्यादा करते हो ठीक है तो सोल्यूशन सबसे पहला यही है बच्चे कि स्ट्रेस नहीं लेना पहला जो मेरा सोल्यूशन है वो यही है कि आप स्ट्रेस में नहीं आओगे टेक टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी क्योंकि अगर ट्रेंड चेंज हुआ है बच्चे तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ सबके लिए हुआ है इज दट क्लियर यस और नो दूसरी चीज यहां पे आप ये समझिए बच्चे सेकेंड तो पॉइंट आपको समझने वाला है कि अब आपको जो एग्जाम का अब क्या है ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी खास करके किसकी एमसीक्यू की ज्यादा ज्यादा मतलब अगर मैं पहले बच्चों को बोलती थी कि आप थर्टी फाइव टेस्ट लगाइए तो अब मैं बच्चों को बोलूंगी कि नहीं आप थर्टी फाइव नहीं अब आप फिफ्टी प्लस टेस्ट लगाइए जीएस, जीएस के जीएस जी के आप फिफ्टी प्लस टेस्ट जो है वो आप कर ले जाइए ठीक है थर्ड थिंग ये है कि स्टूडेंट करंट अफेयर अपने सोर्सेज को आप लिमिटेड रखिए मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर हाथ पैर फैलाना बंद कर दो ये मैं ये भी पढ़ लूँ मैं वो भी पढ़ लूँ मैं ऐसे एनसीआरटी भी कर लूँ मैं एडवांस भी पढ़ लूँ मैं सब कर लूँ आप कितना भी कर ले जाइए ठीक है जो एग्ज़ाम है ठीक है वो जी का डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट कट ऑफ लो जाएगी ठीक है उसमें इतना ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाएंगे चाह कर भी स्टूडेंट इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ठीक है इस बात को आप अपने माइंड में रखिए अच्छा किसी चीज़ को अच्छे से अच्छा कल अगर आपने इलेवन फेब को अगर एच का पेपर देखा तो उसमें तीन जो आपके सेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं सब्जेक्ट की वेटेज रही है पहला हिस्ट्री दूसरा आपका पॉलिटी एंड थर्ड वन इज़ अवर जर्नल साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इनकी तीन सब्जेक्ट्स की वेटेज रही है ठीक है चलो वो तो एच की बात होगी अभी हम पी सी पे आते हैं पी में भी स्टूडेंट अगर आप देखो तो सी सीहियर स्टूडेंट इस टाइम पर आपको अपने सोर्सेज को बहुत ही लिमिटेड करना है क्योंकि अगर आप लिमिट नहीं करोगे ना उसको बच्चे तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे अगर आपने उसको बहुत वास्ट कर दिया मतलब आपने सब पढ़ लिया सब पढ़ लिया आपने ठीक है आप उसकी रिविजन नहीं ले पाओगे बच्चे अपने जो सोर्सेज हैं उसको आप बहुत लिमिट तक रखिए बहुत ही लिमिट तक जैसे आज आज ही मेरे पास एक बच्चे की कॉल आई कि मैम मैं ये कर लूँ मैं एन भी पढ़ लूँ मैं आपकी क्लासेस भी लगा रहा हूँ जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं वो भी लगा रहा हूँ तो मैं उस बच्चे को यही समझाने की ट्राई कर रही थी कि आप बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी मत करो ठीक है क्योंकि उससे कुछ कौन होने वाला है नहीं ठीक है यहाँ पे वही बच्चा सस्टेन करेगा स्टूडेंट जो बहुत ही लिमिटेड तरीके से पढ़ेगा और बहुत ही लिमिटेड तरीके से पढ़ के और वो उस चीज़ को क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको ग्रैब करेगा सो so दैट अगर एग्ज़ाम में अगर उसके सामने क्वेश्चन आता है चाहे फिर वो इजी ही क्यों नहीं है या, या तो पढ़ा ही नहीं आपने बस उस क्वेश्चन को तो छोड़ ही दो बट अगर आपने उसके टॉपिक के बारे में पढ़ा तो आपने उसको इतना अच्छे से पढ़ा है इतना अच्छे से उसको लर्न किया हुआ है कि आपको चारों स्टेटमेंट क्लियर क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं कि हाँ भाई इसमें से कौन सी गलत है और कौन सी सही है तो रिवीजन जो है वो यहां पे और ज्यादा रोल प्ले करने लग गई मतलब मोर रिवीजन लिमिटेड मोर रिवीजन ये कॉन्सेप्ट मेरा याद रखिए आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए लिमिटेड रिसोर्सेज मोर रिवीजन से थर्ड थिंग जो यहां पे मुझे समझानी है बच्चों को वो ये कि करंट अफेयर करंट अफेयर को बच्चे आप वो लाइटली मत लीजिए करंट अफेयर आप बहुत अच्छे से कीजिए ठीक है गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से रेडी कीजिए बच्चे अपनी ठीक है बहुत ज़्यादा उस पर सेंटी भी नहीं होना बहुत ज़्यादा उसको वास्ट नहीं करना उसको लिमिट सोर्स में रखिए खास करके जैसे आप न्यूज़पेपर है उसको आप ध्यान से पढ़िए ठीक है, है जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा है जो भी आपको लगता है कि हाँ जी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप अलग से नोट करके रखिए ठीक है, है जी तो तीन चार चीजें आप अपने माइंड में रखिए पहला पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा एम प्रैक्टिस करना है सो दैट आपको आइडिया लग सके कि हाँ जी एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं सो दैट आप उस प्रेशर को उस टेंशन को पहले से आप हैंडल करना सीख लो आपको वहाँ पर जाके झटका ना लगे उसी जो आपका चेंज, चेंजिंग ट्रेंड है वहीं से आप क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए ठीक है दूसरी चीज करंट अफेयर पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है आपको ठीक है उसको बार बार रिवाइज करना है एक सोर्स रखिए अपना करंट अफेयर का और उसको बस ध्यान से करते जाइए ठीक है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और जो भी आप ऑथेंटिक सोर्स पढ़ रहे हो उस पर भी रखो तीसरी चीज़ बच्चे हमेशा अपने सोर्सेज को लिमिट लिमिट कीजिए मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़ रहे हैं या मान लीजिए आप ये सिर्फ क्लास नोट्स पे रिलाई कर रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं उसमें से उस पे रिलाई कीजिए और उसको कम से कम टेन टाइम ट्वेंटी टाइम उस आप उसको रिवाइज कीजिए फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी है तो पॉलिटी में अगर आपने फंडामेंटल राइट right पढ़ा है आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट right आता है आपको तो एक बार के लिए जो चेंजिंग ट्रेंड है उसके हिसाब से आप अपना पेपर अटैम्प्ट कीजिए आपको खुद समझ में आ जाएगा ठीक है उसको टेन टाइम ट्वेंटी टाइम रिवाइज़ कीजिए ठीक है हर चीज़ आपको जो है वो बहुत ही अच्छे से क्या होनी चाहिए आपकी क्लियर होनी चाहिए ठीक है तो ये बातें याद रहेंगी पहला स्ट्रेस नहीं लेना ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की दूसरा करंट अफेयर पे बहुत अच्छे से फोकस करना है थर्ड थिंग अबर रिविज़न लिमिटेड रिसोर्सेज और बहुत अच्छे से रिविज़न ठीक है तो ये चीजें आप याद रखोगे यस और नो क्लियर है तो ये रहे अपने सोल्यूशन ठीक है तो ये मेरा छोटा सा से सेशन था स्टूडेंट सो दैट मैं बच्चों को थोड़ी सी रियलिटी चेक देने की मैंने यहाँ पे ट्राई किया हालांकि हम थोड़ा डिटेल में हम यू नो अपनी क्लासेस के अंदर और ज्यादा डिस्कस करेंगे जब हम अपने यू नो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ठीक है जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगी आपको वहां पर हम ज़्यादा अच्छे से फोकस करेंगे ठीक है जी ओके ठीक है जी तो इसी के साथ स्टूडेंट में आज का सेशन यहाँ पे कर रही हूँ ओवर थैंक यू थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे